हेलो गाइस, आज हम लोग बनाएंगे मैट पेंटिंग। मैट पेंटिंग कहते किसको है? जो भी हम 6 to 7 इमेज जो हम लोग मर्ज करके बनाते हैं उसे हम लोग मैट पेंटिंग बोलते हैं। जैसे इस टाइप का वर्क। अब इस टाइप को वर्क को करने के सबसे पहले हमें एक न्यू पेज चाहिए, जो मैं 9020 यहाँ पे लिया है। फाइल पे जाने, फाइल पे जाके ओपन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे कोई भी क्लाउड, ले लो आप। यहाँ पे बी प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग करो। ये देखिए मेरे बैकग्राउंड पे यहाँ पे आ गया है। फाइल पे जाके ओपन। अब हम लोग यहाँ पे फ्लोटिंग ले लेंगे, इसे हम लोग फ्लोटिंग बोलते हैं। नॉर्मल सा हम इसे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट कर लेंगे और मास्क करेंगे। कीबोर्ड में वी प्रेस करेंगे, वी हमारा मूव टूल शॉर्टकट होता है। सपोज हम इसको ऐसा कुछ रख सकते हैं। फाइल पे जाते हैं, फाइल पे जाके ओपन। यहाँ पे चाहे तो आप लोग कोई बैकग्राउंड भी ले सकते हो। सपोज बैकग्राउंड में कोई माउंटेन का ले लेती हूँ, ऐसा कुछ। वी प्रेस किया मैंने, क्लिक एंड ड्रैग, कंट्रोल टी किया हम लोगों ने। मैं इसको स्केल कर दूंगी, एंटर किया। इसको हम इसके नीचे ले लेंगे। यहाँ पर हम लोग मास्क लेके बी प्रेस करेंगे, बी से बॉल। मैं यहाँ पे हल्का हल्का ऐसे रफली मैं ब्रश कर दूंगी इसके कोने कोने में, ताकि ये अलग से लगे ना कि मैं अलग से इमेज ली है। देखिए मेरे बैकग्राउंड सबको मैच हो गया अभी ये। अब हम लोग ऑल्ट प्रेस करेंगे, इसके हम लोग कॉपी ले लेंगे। ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे हम लोग कॉपी ले लेंगे। हमने यहाँ पे ऐसा कुछ काम किया। देखिए मेरा पूरा बैकग्राउंड था, पूरा मर्ज लग रहा है ये। सिंपल क्या करेंगे, अब हम कोई भी, सपोज हमने ऐसा कुछ किया। अब हमें जैसे कि हम लोग को फाइल पे जाते हैं, फ्लोटिंग हमने लिया, फ्लोटिंग पे हम कोई ट्री वगैरह रख लेंगे। अगर आप ट्री रखना चाहते हो तो मैं ये वाला ट्री ले लेती हूँ, ये पीएनजी है। बी प्रेस किया, क्लिक एंड ड्रैग, कंट्रोल टी करेंगे और इसको मैनेज कर लेंगे। इसको हम लोग कुछ ऐसे, मैंने अब किसी भी चीज़ की, कहीं भी हम लोग कभी भी कोई पार्ट रखते तो हम लोग शेडो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लोग शेडो क्रिएट करेंगे, बी प्रेस करेंगे। मैंने शेडो के लिए यहाँ पे नई लेयर ली है। नॉर्मल सा मैं यहाँ पे एक ब्लैक कलर फिल कर दूंगी। देखिए मैं रफली यहाँ पे एक ब्लैक कलर फिल किया है। अब मैं इसका ऑपोसिट अमाउंट कम करूँगी। देखिए यहाँ पे हमें शेडो का लुक आ गया है। फाइल पे जाएंगे, ओपन। मैं सेंटर में ऐसा कुछ पार्ट ले लेती हूँ कि सेंटर में रख लेंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से मैंने मास्क किया यहाँ पे। बी प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग, ये प्रेस करें, बी प्रेस करेंगे हम लोग। यहाँ पे ब्रश कर लेंगे हम लोग। देखिए इसके साथ ही मर्ज हो गया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। हम लोग एक और यहाँ पर ट्री ले लेंगे। कंट्रोल टी करके मैनेज करेंगे। आप चाहो तो हल्का सा और स्केल कर सकते हो। ऐसा दिखा सकते हो कि एक ट्री छोटा, एक ट्री बड़ा। ऐसा भी होता है कि आपके जो ट्री है वो काफ़ी छोटे बड़े भी होते हैं। बी प्रेस किया मैंने, यहाँ पे मैंने नॉर्मल सा ब्रश किया, ऑपेसिटी डाउन की। देखो आपको शेडो वाला लुक आपका आ जाएगा। इतने पार्ट पर आपकी शेडो आनी चाहिए। अब सिंपल क्या करेंगे, मैं आगे के लिए कोई भी आपको, मैंने यहाँ पे लॉर्ड शिवा लिए हैं। मैं लॉर्ड शिवा को यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग। सिंपल मास्क करेंगे और जो अंदर वाला जो आपका पार्ट आ रहा है, इसको हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, मैजिक सिलेक्शन लेंगे। कंट्रोल डी, अल्ट और बैक स्पेस करेंगे। देखो ब्लैक कलर आ गया,
हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे अल्ट बैक स्पेस, दूसरा वाला पार्ट आया कंट्रोल डी करके हटाएंगे, यहाँ पे भी अल्ट बैक स्पेस करेंगे। मतलब गाइस इतना मेरे नोटिस होने वाला नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपल यहाँ पे इमेज को क्लिक एंड ड्रैग किया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल टी करेंगे, स्केल कर लेंगे। मैं यहाँ पे अपने लॉस्ट शिवा को बिठा देती हूँ, ऐसा कुछ बिठा सकते हैं हम लोग। अब लॉस्ट शिवा को मैंने बिठाया है, लेकिन अब देखो अब क्या मुझे हल्की से कुछ शेडो भी चाहिए होगी। मैंने यहाँ पे एक नई लेयर ली, बी प्लस हम लोग करेंगे, एक मैं नॉर्मल से यहाँ पे एक शेडो मैं ले लूँगी। नॉर्मल से मैंने यहाँ पे रफली से एक शेडो ले ली है। ऑपेसिटी अमाउंट हम लोग कम कर लेंगे, फिल अमाउंट ऐसा कुछ मैंने किया। देखिए मेरा बैकग्राउंड तो पूरा मैच हो गया है। अगर अब हम लोग चेक करेंगे तो मैं यहाँ पे ये स्केल ले लेती हूँ, सी प्लस किया, सी से हम लोग क्रॉप कर लेंगे, मैजिक अल्ट एंड मास्क किया मैंने यहाँ पे, बी प्रेस किया, क्लिक एंड ड्रैग, इसको मैं ऐसा कुछ रख देंगे हम लोग, एंटर किया, फाइल पे जाते हैं, ओपन करते हैं। अब हम लोग क्लाउड ले लेते हैं, मेरे पास यहाँ पे क्लाउड है, आपको पीएनजी आपको मिल जाएगी गूगल से, बी प्रेस किया, क्लिक एंड ड्रैग, कंट्रोल टी करूँगी, मैं क्लाउड काफ़ी बड़ा कर लूँगी यहाँ पे। सपोज़ मैंने ऐसा कुछ मैंने क्लाउड किया, एंटर किया, और इसको मैं स्क्रीन कर लेती हूँ। देखिए लुक एंड फील हमारा आ गया है। अगर आप ऑल्ट प्रेस करके कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर सकते हो, और इसका अमाउंट हल्का सा कम कर लो। देखिए मैं नॉर्मल लुक हमारा आ गया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अब कोई भी फोग वाली जो जगह होगी वहाँ का हमारा ऐसे ही इमेज होगी हमारी। अब क्या करेंगे गाइस, मैं सब सारी लेयर को मैं सेलेक्ट करूँगी, और हम लोग करेंगे कंट्रोल जी, कंट्रोल जी से मैंने एक ग्रुप बना लिया। हम लोग यहाँ पे जाएंगे सॉलिड, अब हम लोग लेंगे कलर एडजस्टमेंट में जाके, या फिर हम लोग कलर तो कलर लुकअप पे जाएंगे। कलर लुकअप पे जाके मैं मूनलाइट लूँगी यहाँ से, देखिए मूनलाइट से ऐसा कुछ आया। मैं क्या करूँगी, मैं सिंपल यहाँ से ग्रेडियंट लेती हूँ, ग्रेडियंट टूल, ग्रेडियंट या ग्रेडियंट मैप ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। ग्रेडियंट मैप पे मैं जाती हूँ, यहाँ मैं ब्लू कलर ले लेती हूँ, दूसरा मैं डार्क ब्लू ले लेती हूँ, ओके किया मैंने। सपोज अगर आपको ऐसा कुछ मैनेज करना है आप लोग कर सकते हो, कि साइड का आपको कितना आपको अंधेरा चाहिए, कितना आपको लाइट चाहिए। मुझे ऐसा कुछ मैनेज नहीं करना, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं एक नई लेयर लूँगी, नई लेयर पे मैं डार्क ब्लू कलर करूँगी, क्योंकि नाइट का समय मेरा कुछ डार्क ब्लू में होता है। अल्ट और बैक स्पेस करेंगे हम लोग, बी प्रेस करेंगे, मास्क लेके यहाँ पे ब्रश का साइज अपना इंक्रीज कर लेना, और यहाँ पे ऐसा कुछ मैं कर दूँगी। अब हम लोग यहाँ से कोई भी एक कलर ले लेंगे, ब्लू कलर सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे, इसकी हम ओपेसिटी डाउन कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा नाइट का सीन पूरा आ चुका है, अगर आप ध्यान से देखोगे। अगर आपको नाइट का सीन नहीं लग रहा तो सिंपल आप क्या कीजिए, यहाँ से दोबारा कलर लुकअप लीजिए, यहाँ पे मून लाइट कर लीजिए, ये देखिए हल्के से ओपेसिटी डाउन कर लीजिए। देखिए हमारा पूरा नाइट का सीन हो चुका है। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।